कोरोना वायरस के दौरान किसानों की खेतीबाड़ी प्रभावित ना हो इसके लिए प्रशासन के द्वारा पूरा ख्याल रखा जा रहा है और जिला हमीरपुर के सभी कृषि विक्रय केंद्रों में किसानों को समय पर बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमीरपुर कृषि विक्रय केंद्र में किसानों को चरी, बाजरा, मक्की के अलावा सब्जी के बीज भी मुहैया करवाए जा रहे हैं, जिस पर किसानों ने भी खुशी जाहिर की है। किसान सतीश पॉल ने कहा कि 42 दिनों के बाद हमीरपुर में लॉकडाउन में छूट मिली है और किसानों को समय पर बीज मिलने से बहुत ही सहूलियत मिल रही है, इसके लिए वह सरकार का धन्यवाद करते हैं। ऐसा ना, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि 40-41 दिन बाद लॉकडाउन खुला है और बड़ी ज़रूरत लग रही थी घर में, जैसे चेरी का बीज डालने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चलो बारिश नहीं रुक रही, पर हमारा किसानों का जो है ना वो काम नहीं रुकना चाहिए, लेकिन इस सरकारी डिपो खुलने से हमारे को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल गई है, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एक अन्य किसान ने कहा कि बीज विक्रय केंद्र में बीज लेने में आए हुए हैं और समय पर बीज मिलने से अब बिजाई हो सकेगी। रोजा, और मैं बेच के लिए हमीरपुर से हूँ और मैं यहाँ पे बीज लेने आया था, जो कि सब्सिडी विभाग के द्वारा यहाँ पे मिल रहा है और बहुत अच्छा बीज मिल रहा है लॉकडाउन के दौरान भी। थैंक यू। बस बीज लेने आए, शुक्र करो ये खुल गए रास्ते, बीज आ रहा बंद हो गया था हमारा तो। हाँ टाइम तो है उसके लिए, तब अब टाइम देगा ऊपर वाला, तो बारिशें बंद नहीं हो रही हैं। किसान पवन कुमार ने बताया कि कृषि विभाग के द्वारा समय पर किसानों को बीज दिया जा रहा है, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं, इसके लिए किसान विभाग का धन्यवाद करते हैं। लॉकडाउन के बाद भी पवन कुमार जी, ये जी बीज बिक्री केंद्र में किसानों के लिए सुविधा है, क्योंकि बीज जो समय पर दे रहे हैं और जिससे जो किसान जो समय पर इसकी बिजाई कर सके। वहीं कृषि अधिकारी हमीरपुर ने बताया कि कोरोना बीमारी के चलते बीज विक्रय केंद्र पर कम ही किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी विभाग ने चरी, बाजरा, मक्की के बीज यहां पर उपलब्ध किए हैं और अभी चरी, बाजरा, मक्की की बिजाई का टाइम है, इसलिए किसानों को बीज समय पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। और कृषि अधिकारी हमीरपुर ब्लॉक, सर यहां पे बीज विक्रय केंद्र में आज वितरण किया जाए, सब चीज चीजें का वितरण होगा। यहाँ मुख्यतः चरी, बाजरा, मक्की और धान के बीज का वितरण हो रहा है, साथ में सब्जियों के बीज भी उपलब्ध है। कोरोना के इफेक्ट से थोड़ा यहाँ किसान तो कम आ रहे हैं, परंतु हमने विभाग ने पहले तैयारी कर रखी थी, जिस दौरान यहाँ लॉकडाउन था, हमने हमारी जो सराउंडिंग की सारी सोसाइटियाँ हैं वहाँ कुछ लगभग 300 क्विंटल चरी, 100 क्विंटल बाजरा और 50 क्विंटल मक्की इस दौरान हमने फील्ड में भिजवा दी थी। क्या मानते हैं कि अभी थोड़ा लेट भी हो गया इस बार, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि लेट बिजाई होगी तो? नहीं नहीं, अभी बिजाई के लिए लेट हुई नहीं है, जो चरी, बाजरा, मक्की की बिजाई का टाइम है, चरी का टाइम ये जो मई का 15 मई तक का टाइम होता है, तो अभी चला हुआ है, और मक्की का जो टाइम है वो 25 मई के बाद ही यहाँ बिजाई होती है, तो ये लगभग टाइमली ही चलाया जो, अगर लॉकडाउन आगे नहीं इनको फार्मर को परमिशन मिलती है तो ये टाइमली बिजाई कर सकते हैं।